हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, क्वार्टर टू के नंबर्स का इंतजार हर कंपनी का, हर इन्वेस्टर को रहता है जिसमें भी जिसने इन्वेस्टमेंट की है। और KPIT टेक्नोलॉजीज के जो है आज क्वार्टर टू के नंबर्स आने थे जो कि आ चुके हैं, और कैसे कुछ नंबर्स आए हैं डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। कम्प्लीटली जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में कितना रिवेन्यू जनरेट किया था, कितना प्रॉफिट जनरेट किया था, और इस क्वार्टर के अंदर क्या कंपनी नुकसान में है या फिर अगेन कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले अब फिर से प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, आज है 19 अक्टूबर और आज के दिन जो है आउटकम ऑफ बोर्ड ऑफ द मीटिंग कमेंस ऑन अक्टूबर 18 एट 7 PM एंड कंक्लूडेड टूडे डेट इज़ ऑन अक्टूबर 19। यानी कि आज जो है क्या हुआ था कि कल के दिन से जो है स्टार्ट हुई थी मीटिंग और आज जो है उसका फाइनल डे था, और 19 अक्टूबर को 11:15 के आसपास जो है ये मीटिंग खत्म हुई है। Unaudited standalone financial results and consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2022। यानी कि हाफ ईयर एंडेड कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए कि क्वार्टर टू के नंबर्स जो हैं आज कंपनी के आ चुके हैं KPIT टेक्नोलॉजीज के, और नंबर्स ये रहे हमारे सामने। तो देखिए, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो रुपीज इन मिलियन, यानी कि मिलियन में है सारी की सारी। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर बात करें हम, तो इस क्वार्टर के अंदर 7,448 मिलियन रुपीज का जो है कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया है ऑपरेशंस के जरिए, और पिछले क्वार्टर में जो है लास्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट 6,857 मिलियन रुपीज़ का जो है कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट करके दिखाया था। उसमें से जो टोटल इनकम निकल के आई थी वो निकल के आई थी कंपनी की पिछले क्वार्टर के अंदर 7,016 मिलियन रुपीज़ की, और अब की बार 7,543 जो है मिलियन रुपीज़ की। यानी कि रिवेन्यू और टोटल इनकम में एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पे अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, इसके पिछले जो आए थे उसमें जो है कंपनी ने यहाँ पे कंपनी के बिल्कुल भी अच्छे नंबर्स जो थे, एक तरह से कह सकते हैं कि भाई उस पिछले साल में, देखिए सबसे पहले दे रखा है इन्होंने 30 सितंबर 2022, यानी कि इस क्वार्टर टू के नंबर्स, उसके बाद क्वार्टर वन के नंबर्स हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे क्वार्टर टू के नंबर्स लास्ट ईयर के 30 सितंबर 2021 के जो है देखने को मिल रहे थे, और उसके बाद से जो है हाफ ईयर एंडेड बेसिस पे दिए गए हैं 30 सितंबर 2022 और 30 सितंबर 2021, और उसके लास्ट में सबसे जो है यहाँ पे ईयर एंडेड बेसिस पे जो है रिजल्ट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंपनी ने रिवेन्यू भी अच्छा जनरेट किया है और साथ ही साथ में टोटल इनकम भी अच्छी खासी जनरेट करके दिखाई है। अगर हाफ ईयर एंड जो आधे साल के देखें, हाफ ईयर एंड एंडेड बेसिस पे देखें, तो इस साल के जो हाफ ईयर दो क्वार्टर्स के मिला के जो टोटल इनकम निकल के आ रही है वो आ रही है 14,557 मिलियन रुपीज़ की, जहाँ पिछले साल के अगर हाफ ईयर एंडेड बेसिस पे देखेंगे तो 11,814 मिलियन रुपीज़ की टोटल इनकम निकल के आई थी। तो इनकम तो अच्छी खासी जो है यहाँ पे कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले भी जनरेट करी है और हाफ ईयर एंड बेसिस पे अच्छी खासी जनरेट की है। बात आती है कि खर्चा कितना कर दिया कंपनी ने, तो यहाँ पे 6,466 मिलियन रुपीज़ का जो है ऑलमोस्ट खर्चा जो है क्वार्टर वन के अंदर दिखाया है कंपनी ने, और जहाँ पिछले क्वार्टर के अंदर 5,899 मिलियन रुपीज़ का जो है कंपनी ने खर्चा दिखाया था। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसिस है उसमें से 4,964 मिलियन का खर्चा जो है कंपनी ने किया है, और साथ ही साथ में जो है फाइनेंस कॉस्ट में ऑलमोस्ट 70 मिलियन रुपीज़ का है, और डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में जो है 327 मिलियन रुपीज का है, और अदर एक्सपेंसेस में 1102 मिलियन रुपीज का। तो टोटल 6,466 मिलियन रुपीज का खर्चा KPIT टेक्नोलॉजीज ने क्वार्टर टू के अंदर दिखाया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि कंपनी की इनकम जान ली, कंपनी का खर्चा भी जान लिया, तो अब कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि ईयर का अगर देखें इस साल का, इस क्वार्टर का, तो 835 मिलियन रुपीज़ का जो है यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, जहाँ लास्ट क्वार्टर में 876 मिलियन रुपीज़ का जो है कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया था। बट हाफ ईयर एंड बेसिस पे देखें तो यहाँ पे 1712 मिलियन रुपीज़ है, और पिछले साल के अगर हाफ ईयर एंड बेसिस पे देखें तो 1253 मिलियन रुपीज था। यानी कि हाफ ईयर एंड बेसिस पे जो अगर बात करें, यानी कि पिछले साल के जो दो क्वार्टर के नंबर्स थे और इस साल के दो क्वार्टर्स के जो नंबर्स हैं उनमें तो अच्छा खासा इजाफा है, जहां 1253 का था अब की बार 1712 हुआ है, अब की बार दो क्वार्टर्स का मिला के। लेकिन प्रीवियस क्वार्टर के, क्वार्टर वन के मुकाबले जो है क्वार्टर टू के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट यहां पे कम जनरेट किया है, 876 से घट के 835 मिलियन रुपीज का ही टोटल प्रॉफिट यहां पे कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर जनरेट करके दिखाया है।
तो सबसे बड़ी बात आती है कि ईपीएस जो है कंपनी का, यानी कि अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स, उसमें क्या इजाफा हुआ है या उसमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे साफ साफ देखिए कि आपको देख रहा होगा कि अर्निंग पर इक्विटी शेयर फेस वैल्यू पर शेयर ₹10 ईच, यानी कि क्वार्टर वन के अंदर जो है 3.16 था और अब की बार 3.09 देखने को मिला। तो यानी कि एक अच्छा खासा इफेक्ट जो है आज आपको KPIT टेक्नोलॉजी के शेयर पे भी देखने को मिल रहा है, कि जिसकी वजह से एकदम से जैसे ही क्वार्टर टू के नंबर्स आए वैसे ही गिरावट भी देखने को मिली एकदम से, क्योंकि अर्निंग पर शेयर भी यहां पे डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है एज कंपेयर टू क्वार्टर वन। तो यहां पे क्वार्टर टू के मुकाबले में जो है अगर क्वार्टर वन की मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा अच्छा था, जबकि क्वार्टर टू के अंदर ना तो प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर पाई है कंपनी, भले ही इनकम अच्छी जनरेट करी उसके बाद खर्चा जो है वो ज़्यादा कर दिया कंपनी ने। तो इक्विटी जो ईपीएस जो था वो भी अच्छा खासा नहीं, बल्कि उसमें भी डिक्लाइनमेंट जो है ऑलमोस्ट 3.16 से घट के 3.09 हो चुका है। तो कंपनी ने यहाँ पे अच्छा खासा जो है जनरेट नहीं किया है क्वार्टर टू के नंबर्स में प्रॉफिट। तो उस डिक्लाइनमेंट की वजह से यहाँ पे स्टॉक के अंदर आज गिरावट भी देखने को मिली है और नंबर्स भी जो है ठीक ठाक ही आए हैं, ज्यादा खराब नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि कोई ज्यादा फर्क नहीं आया पिछले क्वार्टर के मुकाबले और इस क्वार्टर के मुकाबले, बट लेकिन थोड़ी सी डिक्लाइनमेंट जो है अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट में अब की बार हमें KPIT टेक्नोलॉजीज के अंदर देखने को मिली है, और उसका सीधा असर आप लोगों को आज इस स्टॉक पे भी देखने को मिल चुका है। तो ओवरऑल जो है ज्यादा अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।